नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली जिले में एक बार फिर जादू टोने के शक में एक अधेड़ आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव के ही लोगों ने जादू टोने के शक में उसकी हत्या कर दी थी। बरगवां पुलिस ने आज इस मामले में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरगवां थाना क्षेत्र के जंगल में एक अधेड़ का शव मिला था, जिसकी पहचान बंदा निवासी मेहिलाल के तौर पर की गई, जिसके गुम होने की खबर बरगवां थाने में की गई थी। बरगवां निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संत कुमार गुर्जर व भोला प्रसाद शर्मा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि उन्हें शक था कि मेहिलाल जादू टोना किया करता था, जिस कारण उन्होंने उसे अकेला पाकर टांगी से उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया टांगी भी बरामद कर लिया और आरोपी संत कुमार गुर्जर व भोला प्रसाद शर्मा को अपराध क्रमांक 313/20 की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। हत्या हुई है बरगवां थाना अंदर, क्या मामला है? 15 अगस्त की दिन ये सूचना मिली थी कि बंदा जंगल के पास में एक रेलगाड़ी पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया और इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या करना पाया गया था। उसमें दो आरोपी हमने अरेस्ट करके ले आते भेजा है। प्राइमरी रूप से ये आया है कि उसमें जो आरोपी पक्ष थे उनका ऐसा कहना था कि जो मृतक है वो जादू टोना कर रहा है। इस बात से उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो इस मैटर में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो आगे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।